नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाथ और पैर में काला धागा बांधने से क्या होता है। दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको किसी भी बुरी नजर से, ईर्ष्या और द्वेष से दूर रहने के लिए हाथ या पैर में काला धागा पहनने की सलाह दी जाती है। यह काला धागा महिलाओं को बाएं हाथ पैर में और पुरुषों दाहिने हाथ या पैर में पहनने की सलाह दी जाती है। इसके प्रभाव से आपके रास्ते में आने वाली सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म किया जा सकता है और बुरे प्रभावों से बचाया जा सकता है। काला धागा शनि का प्रतीक माना जाता है और इसे धारण करने से शक्तिशाली ग्रह शनि को प्रसन्न किया जा सकता है। इनके प्रसन्न होने पर व्यक्ति को भाग्य और सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। यदि आप पैर में काला धागा पहनती हैं, तो आपको शनिदेव का कवच मिलता है जो मुसीबतों से दूर रखता है। काला धागा कौन से दिन पहनना चाहिए। काला धागा पहनने के लिए दिन का चुनाव आपको विशिष्ट ज्योतिष मान्यताओं और सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर करना चाहिए, जिससे इसके पूरे लाभ मिलें। यदि आप इसे किसी शुभ दिन में धारण करते हैं तो ये आपके जीवन में समृद्धि का कारक बनता है और इसके कई गुना ज्यादा लाभ मिलते हैं। आइए जानें ज्योतिष के अनुसार काला धागा पहनने के लिए सबसे शुभ दिन कौन से हैं। मंगलवार को काला धागा बांधने के फायदे। ज्योतिष की माने तो आपके लिए मंगलवार के दिन काला धागा बांधना बहुत शुभ होता है और इस दिन इसे धारण करने से मंगल के दोषों से मुक्ति के साथ हनुमान जी की पूर्ण कृपा दृष्टि भी मिलती है। मंगलवार के दिन बांधा गया काला धागा आपको कई दोषों से मुक्त करता है। शनिवार को काला धागा बांधने के फायदे। ज्योतिष के अनुसार शनिवार का दिन शनि ग्रह को समर्पित होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप शनिवार के दिन काला धागा धारण करती हैं, तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं और उनके अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। शनि को अनुशासन, जिम्मेदारी और कर्म से जुड़ा हुआ माना जाता है, इसलिए इस दिन काला धागा पहनने से आपको कई शनि दोषों से मुक्ति मिल सकती है। क्या अमावस्या पर काला धागा बांध सकते हैं। ज्योतिष की माने तो अमावस्या तिथि के दिन काला धागा पहनना बहुत शुभ माना जाता है। अमावस्या को आध्यात्मिक विकास से जुड़ा हुआ माना जाता है और सदिन काला रंग पहनने से नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने और संचारित करने में मदद मिलती है। इसलिए यदि आप पैर में काला धागा पहनना चाहती हैं, तो इसी दिन पहनें तो इसके पूरे परिणाम मिल सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन काला धागा पहनना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन काला धागा बांधना, अंगूठे में काला धागा बांधने के फायदे, बहुत शुभ माना जाता है। बढ़ते और घटते चंद्र चरणों के 13वें दिन यानी कि प्रदोष व्रत पर गोधूली बेला के दौरान यदि आप हाथ या पैर में काला धागा बांध रही हैं, तो आपके लिए शुभ होगा। इसके साथ ही आपके लिए महाशिवरात्रि के दौरान भी काला धागा बांधना शुभ हो सकता है। काला धागा बांधने के नियम। अगर आप हाथ और पैर में काला धागा बांधते हैं तो महिलाओं को इसे शुभ दिन में बाएं हाथ या पैर में बांधना चाहिए, वहीं पुरुषों को दाहिने हाथ या पैर में बांधने की सलाह दी जाती है। ज्योतिष की माने तो आपको हाथ और पैर में काला धागा पहनते समय दिन का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपको इसके पूरे शुभ फल मिल सकें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।